क्वेश्चन है, ए लिक्विड ऑफ मास एम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज हीटेड टू ए टेम्परेचर टू टी, अनदर लिक्विड ऑफ मास एम बाई टू एंड स्पेसिफिक हीट टू सी इज हीटेड टू ए टेम्परेचर टी. If these two liquid are mixed, then resulting temperature of the mixture is. Resulting temperature हमें निकालना है क्या होगा? तो हमारे पास दो liquid है, इसका मैं temperature क्या दे रखा है, 2T दे रखा है. Temperature हमें दे रखा है 2T. Specific heat capacity C दे रखी है. Mass क्या दे रखा है, M. इसका मास क्या कर दिया, m बाय टू. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी 2c एंड टेम्परेचर क्या कर दिया, t. ओके, तो कॉमन टेम्परेचर बताना है क्या होगा. तो कॉमन टेम्परेचर हमने क्या मान लिया, कॉमन टेम्परेचर हम मान लिया स्मॉल t. कॉमन टेम्परेचर क्या मान लिया, स्मॉल t. तो ये हमारा क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, ये क्या करेगा, हीट गेन. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर हीट लॉस बाय हीट लॉस इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन. तो एम एस डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम एस डेल्टा टी. एम कितना है हमारे पास, मास एम है. एस कितना है, सी. इंटू में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टू टी माइनस टी इक्वल टू मास एम बाय टू. एस क्या है, टू सी. इंटू में डेल्टा टी क्या आ जाएगा हमारे पास, टी माइनस टी. टू से टू कैंसिल, एमसी से एमसी कैंसिल हो जाएगा. तो टू टी माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी माइनस टी. तो यानी कि टू टी प्लस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टू टी एड हो जाएगा. तो हमारे पास थ्री टी इक्वल टू क्या आ रहा है, टू टी. थ्री टी इक्वल टू टू टी आ रहा है, यानी कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू टी. टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू टी. ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन टेम्परेचर.